संगत जी, ये यहाँ पर सब संगत बैठती है और ये शावर में इतिहास बताया जाता है। संगत जी दर्शन करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। GPS ब्लॉक पे थोड़ा सारा का स्वागत है। आज हम आए हैं हजूर साहब नांदेड़। अभी मैं जाऊंगा, आपको पूरा गुरुद्वारे का दर्शन कराऊंगा। गुरुद्वारे की एक एक इतिहास हिस्ट्री वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 543, ये गेट नंबर है। यहाँ से भी जा सकते हैं 216, वहाँ पे भी गेट नंबर है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। हमें वैसे जाना है 2 नंबर गेट पे, तो 2 नंबर गेट से हम लोग जाएंगे। पहले गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे। वहाँ पे है 1 नंबर गेट, ये 2 नंबर गेट से जाएंगे या तो 1 नंबर गेट से जाएंगे। हर गेट के बाद जोड़ा घर का स्टॉल रहता है, क्योंकि कोई भी संगत कहाँ से भी आती है जी। ये यात्रा बस जिसको बुक करानी होती है, तो यहाँ पे लिस्ट है किसी को नानकगीरा गुरुद्वारा, जो यहाँ से बहुत दूर है, जितने भी घूमने होते हैं। तो ये ऑफिस है, ये 2 नंबर गेट है, 2 नंबर के गेट के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ पर आप बुक करा सकते हो। यहाँ पे जो भी फीस वगैरह है ये ऑफिस में आपको बता देंगे। ये बसेस यहाँ पे लगती हैं और लंगर हाल है, वहाँ पे भी लगती है। आज नगर कीर्तन है, तो इसके वजह से बम वगैरह जलाए जा रहे हैं। ये गुरुद्वारे का 1 नंबर गेट है। अभी जोड़े भी उतारने हैं, जोड़े उतारने के बाद। संगत जी, ये पूरी स्टॉल लगी होती है, जहाँ हर किसी को जिसी को शॉपिंग करनी हो, कड़े हर आइटम यहाँ पे मिलती है, खाने पीने की भी आइटम मिलती है। तो गुरुद्वारे साहब में चलते हैं अंदर। संगत जी दर्शन करो। हजूर साहब इसके लिए कहा जाता है कि गुरु महाराज यहाँ पे हाजिर नाजिर है, इसके लिए ये दरबार को हजूर साहब कहा जाता है। कई लोगों का कहना होता है कि हजूर साहब का मतलब क्या होता है। हजूर साहब का मतलब है गुरु महाराज यहाँ पे हाजिर नाजिर है। संगत जी दर्शन करो। कल रात को इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। हम 27 तारीख को ही आ गए थे यहाँ पे, 3 तारीख रिटर्न है। जितना हो सकेगा मैं उतना कवर करूँगा। तो यहाँ पर निशान साहिब के नीचे सब पाठ करते हैं सुखमनी साहिब जी का, और यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है, संगत को हैंडल करना, यहाँ की सेवादारी, और यहाँ का एक अलग ही फील है। ये देखो, ये फोटोग्राफी का है। कई लोग सेल्फी लेते हैं जो अच्छा नहीं लगता, जुराबे वगैरह सब मर्यादा का, यहाँ पे हर एक जगह लगा हुआ है। ये बहुत सारी संगत आई है। यहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है, तो स्कूल के बच्चे होंगे शायद कुछ, जिसके से लाइन लगी हुई है। संगत जी, ये आज का हुक्मनामा है। ये माता बागकौर जी का है। ये अपने कंधों पर रख कर चलाते थे। ये एक बंदूक 25-25 किलो के हैं।
ये पहला प्रकाश है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने लिखा है। अंदर शीशे दे विच शस्त्र ने माई पाको जी अते चारी सिंगा दे समावन पार तावे दी चौक जी माता जी नूं गड्ढे ते रखे चलाउंदे सी सात सिंघ जी। ओ इना शस्त्रा नाल अते बंदूका नाल माता जी अते चारी सिंगा ने मुका सरदा जंग फतेह कीता है जी। मुगलां दा तुरखां दा नाश कीता है। ये बाल पवित्र तप स्थान माई पाको जी दा तप स्थान है जी। ये स्थान ते बैठ के माता जी ने 6 साल ताईं तपस्या कीती है सात सिंघ जी। ओ जी जो आप दर्शन कर रहे हो, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी जो पंच प्यारे थे वो यहाँ पे बैठ के तप करते थे। ये सामने गुरुद्वारा साहिब है, ये पूरा गार्डन बना हुआ है, गुरुद्वारा है गोविंद मान 5 नंबर गेट के बिल्कुल सीधा रोड पर वहाँ पर है। ये पूरा गार्डन है, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो गुरुद्वारे साहब के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि रात को गुरुद्वारा साहब शायद बंद हो गया था या पता नहीं क्या, इसके वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाया था, तो आज मौका मिला है। अच्छा लग रहा है ये ट्री, ये गुरुद्वारा साहब पिछली बार यहाँ पे मैं आया था ना तो मुझे दर्शन करने नहीं मिले थे। वहाँ पर शावर में ये सब फ्लम बाबा दीप सिंह जो भी 4 साहबजादे के फ्लम्स होते हैं वहाँ पर दिखाए जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पे दिखाया जाता है, पहले बंद था तो अभी चालू किया है, लॉकडाउन में बंद था। गुरुद्वारा गोविंद बाग साहिब, चलो जी संगत श्री हस पाने कृपा तो मेरी कर मैं कर तब तो ये जी। ये जो स्थान है यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने चरण पाए थे, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज आए थे तो ये स्थान बनाया गया है। ये भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी यहाँ पर अपने चरण रखे थे। संगत जी ये यहाँ पर सब संगत बैठती है और ये शावर में इतिहास बताया जाता है, यहाँ पर पूरा शो चलता है। ये पूरा यहाँ से रात के टाइम पे खास दिखाया जाता है, धूप मॉर्निंग में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर पूरी संगत बैठी होती है। तो यहाँ पर चिक्कू के झाड़ हैं, लगे हुए हैं चिक्कू के झाड़, और यहाँ पर छोटे छोटे हैं अभी देखो। छोटे छोटे चिक्कू लगे हुए हैं, चलो जी। ये वीडियो में यहाँ पे ही एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, ऐसे ही जुड़े रहें जीपीएस ब्लॉग के साथ। और बहुत बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ ऐतिहासिक जगह हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी तो लंगर साहिब के वहाँ पर नहीं गए, वहाँ पर भी जाना है।
और बहुत स्थान है वहाँ पर भी जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही जुड़े रहे GPS ब्लॉग के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।